नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 का एक बड़ा नोटिस यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको पहले रेलवे में पैनल में नाम डाल दिया गया था। देखिए, पैनल का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम देकर जब आपका नाम फाइनलाइज हो जाता है, आपको पोस्ट भी अलॉट हो जाती है रेलवे के अंदर, तो उसको हम पैनल बोलते हैं। पैनल में नाम आने के बाद जो भी रेस्पेक्टिव डिवीजन है या यूनिट है उनको आपको ज्वाइनिंग देनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर रेलवे ने पैनल में डाला, लेकिन बाद में उनका नाम पैनल से हटा दिया गया। यानी पहले पैनल में नाम आया, फिर नौकरी आते आते रुक गई। और यहाँ पर देखते हैं कि उसका कारण क्या था। और आप भी अगर रेलवे में नई भर्ती की यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, रेलवे में नए पदों का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो अपडेट आ रहा है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से आ रहा है, RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से। और यहाँ पर जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया था RRC 01/2023, जो कि 2019 में लास्ट 2019 में जो भर्ती आई थी ग्रुप डी की लेवल 1 की, उसके बारे में है। तो यहां पर दोस्तों बता रखा है कि 279 CCAA कैंडिडेट हैं जिनको पहले पैनल में डाला गया था, और पैनल जो आया था दोस्तों 18/3/2023 को आया था, ठीक है। यानी कि जो CCA होते हैं रेलवे के अंदर, जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी होती है रेलवे के अंदर, उन कैंडिडेट का पैनल यहाँ पर 18/3/2023 को यहाँ पर जारी किया गया था। और जिसमें 279 कैंडिडेट हैं, ये दोस्तों इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इस वजह से इनको दोस्तों यहाँ पर होल्ड पे रखा गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो नोटिफिकेशन नंबर RRC 01/2019 था, उसके पैरा नंबर 12.2 में ये बात लिखी गई थी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आज की डेट में अगर कोई फॉर्म निकल रहा है और मान लीजिए कि उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023, तो आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया है, चाहे 10th मांगा गया है, 12th मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होगा तो ही दोस्तों वो रेलवे मान्य होता है। तो ऐसे में दोस्तों RRC ग्रुप डी की जो भर्ती निकली थी उसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 12 अप्रैल 2019 थी। ऐसे में ये जो 279 कैंडिडेट थे, इनके पास जो अप्रेंटिस इन्होंने रेलवे से कर रखी थी वो दोस्तों इससे पहले की नहीं थी, इसलिए ये जो कैंडिडेट थे इनका नाम यहाँ पर पैनल से हटा दिया गया है। अब पैनल से नाम हटा दिया गया, इसका मतलब ये कि इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है तो नोटिफिकेशन के अंदर पहले रेलवे मेंशन करता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तारीख से पहले की होनी चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले की। अगर आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है या फ्यूचर में आप प्राप्त करते हो तो दोस्तों उसको रेलवे वैलिड नहीं मानता है, और यही कारण हुआ है ये 279 कैंडिडेट हैं जिनको दोस्तों रेलवे ने पहले पैनल में डाला, लेकिन अब इनका नाम यहाँ पर हटा दिया गया है। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है, इट मे बी नोटेड दैट नो करस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन फ्रॉम द अबोव कैंडिडेट इन फ्यूचर इन दिस रिगार्ड। और यहाँ पर ये भी नोट किया जाता है या बताया जाता है कि ये जो कैंडिडेट हैं इनसे किसी प्रकार का कोई करस्पोंडेंस नहीं किया जाएगा, यानी कोई अपील इनकी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर रेलवे में कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है तो उसका फॉर्म मत डालिएगा। अदरवाइज आपकी सारी प्रोसेस होने के बाद आप मेहनत करेंगे, सीबीटी में अच्छे नंबर लेके आएंगे, मान लीजिए फिर आपका पीईटी हुआ तो पीईटी देंगे, साइको टेस्ट हो तो साइको टेस्ट देंगे, टाइपिंग टेस्ट हो टाइपिंग टेस्ट देंगे, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, और ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको दोस्तों बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप पहले ही जब आपकी नोटिफिकेशन निकले, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि आपके पास इस तारीख तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो ही दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को आप नोट करना, रेलवे के अंदर कोई भी भर्ती आती है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपका डाउट दूर करने की पूरा प्रयास करेंगे। बाकी दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।